नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज मैं आपको ग्रामीण आगरा की सैर कराता हूँ। सर्दी का समय है और इस सीज़न की कुछ मुख्य फसलों के बारे में जानकारी देता हूँ। मेरे दाईं तरफ आपको आम का बगीचा नज़र आ रहा होगा, जो देखने में बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। मौसम एकदम साफ है और सुबह का समय है, 9 बजे का। कुछ समय बाद धूप खिलने लगेगी। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये इटौरा को जारुआ कटरा से जोड़ता है। पहले आगरा में फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, फसलों की पैदावार बिगड़ती चली गई। खाद, यूरिया, दवाइयाँ और ना जाने किन किन पैरासाइट्स का यूज़ होता रहा, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम होती चली गई और ज़मीन बंजर होने के कगार पर। ये सामने बाद वाली नहर है। ये नहर काफ़ी लंबी है और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अमरूद का बाग है। यह क्षेत्र भाड़ई स्टेशन के निकट है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी होती है और यहाँ फालसेब की खेती भी बहुतायत में की जाती है। इस समय यहाँ आलू की फसल भी बड़ी मात्रा में की जाती है। आपने भी देखा होगा, एक तरफ आलू के खेत आपको नज़र आ रहे होंगे। आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक तरफ बाईं ओर आलू के खेत नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ सरसों की फसल लहलहा रही है, जिसे फरवरी माह में काटा जाएगा। आलू अब यहाँ के किसानों की ज़्यादातर पसंदीदा फसल बन गई है। गेहूं के लहलाते खेत भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसे मार्च में फसल कटने के बाद काटा जाएगा। तो ये मैंने आपको ग्रामीण आगरा की कुछ जानकारी दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए और मेरे साथ आगरा और आगरा से जुड़ी हुई खबरों को देखते रहिएगा। इसके बाद मैं आपको आगरा से बाहर की वीडियो भी सेंड करूँगा।